जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ के तहत आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निकट सुपरविजन में सदर थाना अधिकारी सूर्यभान सिंह के नेतृत्व में दो व्यक्तियों को एक अवैध हथियार वे दो जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सदर थाना पुलिस के अनुसार रविवार साय मुखबिर खास से सदर थाना पर जानकारी मिली कि दो व्यक्ति बाड़ी घाटी तिराहा मसूदा रोड के पास एक सफेद रंग की क्रेटा कार लेकर खड़े हैं जिनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। इस पर सदर थाना टीम तुरंत रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची। वगैरह तो पुलिस टीम को देखकर दोनों व्यक्ति ने जंगल में भागने का प्रयास किया, परंतु कुशल टीम ने दोनों को उधर दबोचा। वे तलाशी ली तो पहले व्यक्ति बलराम पुत्र प्रताप लाल तांगू निवासी लोरडी शिव मंदिर के पास पुलिस थाना विजयनगर रोड के पास एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई। वह दूसरे व्यक्ति मनमोहन पुत्र मंदिर निवासी सोजत सिटी जिला पाली को चौक किया गया तो उसके पास 34,000 रुपये नकद तथा जिंदा कारतूस बरामद हुए। उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वह विस्तृत जांच में पता चला कि पकड़ा गया आरोपी मनमोहन 3 दिन पूर्व डकैती की योजना बनाते जवाजा थाना वे जिला स्पेशल टीम की कार्यवाही में पकड़े गए अभियुक्त राकेश प्रजापत का ही गुर्गा है। यह हथियार तथा जिंदा कारतूस मनमोहन ने राकेश प्रजापत से खरीदा था तथा बलराम को बेचा है। इस तरह सतर्क पुलिस टीम ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करते समय ही दबिश देकर दो आरोपियों को अवैध देसी पिस्टल जिंदा कारतूस व नकदी के साथ पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। उक्त दोनों आरोपियों से अवैध हथियार खरीद फरोख्त से जुड़े व्यक्तियों के बारे में तथा हथियार खरीदने के पीछे के मंसूबों के बारे में पुलिस टीम गहनता से जांच व पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस टीम में सहायक उप निरीक्षक इंदर सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल भवानी सिंह, प्रवीण चौधरी, सुखपाल तथा